दोस्तों हम पहुंच चुके हैं नाहरगढ़ किले में और ये इसकी स्टार्टअप शुरू हो चुका है और हम जा रहे हैं आगे। ये है टिकट विंडो, निशुल्क प्रवेश 30 मार्च राजस्थान दिवस। अच्छा, और ये है एंट्री गेट। यहाँ से पहले टिकट लेना पड़ेगा हमें शायद से। नाहरगढ़ दुर्ग बोले तो नाहरगढ़ दुर्ग मतलब किला। ये है हमारी क्या कहते हैं संस्कृति। नहीं हाँ, ये है हमारी संस्कृति। नाहरगढ़ के बारे में आपको मैं ये दिखाता हूँ, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे वीडियो अगर पॉज कर लेंगे तो आपको दिख जाएगा, इसके बारे में पढ़ा लिख जाएगा, पॉज करके देख सकते हैं आप। यह नाहरगढ़ की ऐतिहासिक बावड़ी है। वर्षा का जल पहाड़ियों में निर्मित नलियों के माध्यम से बहता हुआ इस बावड़ी में एकत्रित होता है। नालियों के मध्य छोटी छोटी हौदियाँ बनी है जो कचरे को रोक रोक कर जल को शुद्ध करती थी। और यह है इंग्लिश। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, एक ही पत्थर है और पत्थर देख मतलब पानी में रह रहे के वो पत्थर वैसा हो गया, उसने पूरी बावड़ी सी बन गई। वो जो छोटी छोटी नालियाँ दिख रही है आपको, वो पहाड़ों से आती थी, हर जगह जगह से, छोटी छोटी जगह से। और ये हर जगह होगी मे बी। इस साइड देखो, आपको दिखाते हैं इस साइड क्या है। इस साइड भी ये देखो, अबे इस साइड कड़ा गहरा है। टांका, ये टांका बीते समय में गढ़ों महलों दुर्गों वर्षों का जल। वाह, सनसेट पॉइंट। और कुछ नाम देखा वनवन बिंदा मतलब काली बुर्ज। तो ये जिप्सियां आ रही हैं यहाँ पे, ये भी बुक करवा सकते हैं जैसे कॉर्बेट में करवाई थी। पर ये इसमें ज्यादातर फॉरेनर्स बैठ के जा रहे हैं। क्या मार देने हैं? मार देने हैं मे बी नाउ। अरे हमें तो दुर्ग जाना है ना, हमें तो किले में जाना है। वापिस यार, तो वापिस भेजना चाहिए। किसने लिखे हैं? बस कुछ काम नहीं रहता इंडिया वालों को। क्या है? अरे यार, ओह हो, हटो 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 हटो। अरे ऊपर पॉइंट से खींचेंगे ना, चल। वो बता, देखिए पूरा शहर। अच्छा, यहाँ से ये होता था दुश्मनों के आने के लिए। ये जाम हो चुकी है खिड़कियाँ। कौन सा लोहा लगाया इन्होंने? खिड़कियाँ हो चुकी है जाम। अरे ये ऊपर इसलिए बनाते थे ना, क्योंकि जो दूसरे अगर कोई आक्रमण करने आएगा ना तो वो नीचे रहेगा, तो वो नीचे पट जाएगा। ये देखिए क्या बात है यार। और यहाँ से पूरा जयपुर तो दिख ही रहा है भाई, एक तरीके से देहरादून की तरह है। मैंने सोचा था कि राजस्थान अलग सा होगा, रेतीला, पर देखिए यहाँ से अगर कोई भी पत्थर नीचे जाता होगा तो सीधा उन घरों पे। क्या बीतती होगी उन घरों पे भाई अगर पत्थर। और आगे चलो, यही ब्लॉगिंग करनी है हमें। यहाँ से देखिए ऐसा अजीब सा पता नहीं क्या बना रखे हैं। उस समय पे जब्बार जब्बार लिखा हुआ है किसी ने, पता नहीं कौन था, कुत्ता जो भी था। हम तो दीवार पे नहीं था हमने। आजा आजा हम हैं स्कल्पचर पार्क में और यहाँ पे देखिए क्या क्या दिख सकता है हमें। यहाँ पे है ये कुछ लिखा हुआ है मे भी इससे, नहीं ये क्या चीज़ है?
ये क्या पत्थर है? बलुआ पत्थर है। ठीक है, सो हम यहाँ पे थोड़ा लेट पहुँचे हैं, एक मिनट तो हम बस एक मिनट लेंगे यहाँ पे, और इसे एक मिनट में पूरा कवर करेंगे। यहाँ पे सनसेट हो रहा है, सनसेट हो रहा है, और हॉरिजन लाइन है, आपको मस्त दिख रही होगी। सो कमरे नीचे जालियां थी कि कूड़ा नीचे ना जाए, अखबार भी पढ़ते थे राजा महाराजा, देखो अखबार पड़ा हुआ है वहां पे। सो बाय, बेड अंदर है, अंदर बेड, अंदर बेड। अच्छा हाँ, बेड बेड है अंदर। लुक एट दिस व्यू गाइस, वहाँ हो रहा है सनसेट, स्ट्रीट लाइट्स जल चुकी है, और यहाँ पे एक छोटा सा रेत का टीला। वहाँ तो हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि रास्ता नहीं है, देखिए ये रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। बाकी तो ये आपका जयपुर सिटी, और वो है, मैंने इसकी फ़ोटोज़ भी खींची है, वो हमारे FB पेज पे जाएंगे अगर आवारा ब्रोस पे, तो वो उस पे फ़ोटोज़ दिखेगी आपको, और हमारी एक वेबसाइट है आवारा ब्रोस करके, वो इस वीडियो के लास्ट में लिंक होगा, वहाँ पे आप क्लिक करके उस वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, और वहाँ पे भी आपको फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बाकी हमारी दिख सकती है। बाकी आप FB पेज पे जाएं हमारे क्लिक करके, तो ये और बहुत सुंदर व्यू है, फ़ोटोज़ भी मैंने खींच लिए, तो आप वो सब देख सकते हैं avaraBros.com, नहीं सॉरी जो भी है, हाँ मतलब जो भी उस पर। सो बाय, अभी हम यहाँ से निकलते हैं बाहर, मतलब बाय तो क्या, अभी बाहर निकलते हैं और फिर उसके बाद हम जाएंगे आगे होटल में। तो अब चलते हैं होटल में, और ये है जयपुर सिटी, वहाँ सी स्मेल था जहाँ पर हमारी एक कोशिश नाकामयाब रही, और ये है एरिया, यहाँ से हम आए थे, हमारी कार है बहुत आगे पार्क, और हम यहाँ से चलते हैं नीचे, और वहाँ उस चोटी। हेलो गाइस, सो फाइनली वी आर गोइंग बैक टू होम, नॉट बैक टू होम, वी आर गोइंग बैक टू होटल, बिकॉज हम अभी आए थे नाहरगढ़, और यहाँ से अब जा रहे हैं वापस, क्योंकि अब रात हो गई है और हमने यहाँ पे घूम लिया है बहुत, हमने पूरा किला देखा, लेकिन अभी हम जा रहे हैं वापस, हम जाएंगे जयपुर नीचे और वहाँ पे पकड़ेंगे होटल, फिर सुबह जाएंगे हम दूसरे किले में, और वहाँ से देखेंगे जल महल है वहाँ पे, और चीज़ें भी देखेंगे। हमने आज बहुत कुछ कवर कर लिया क्योंकि हम दिल्ली से आए, और हमने दिल्ली से पहले तो हमने 1.5 घंटे में कवर किया, फिर उसके बाद बीच बीच में हमने ड्रोन शॉट भी लिए, तो हमने 1.5 घंटे वहाँ पे अपना टाइम पास किया और वहाँ पे शॉट्स लिए, फिर हमने यहाँ पे आए, यहाँ पे हमें कहाँ पे आगे पैदल जाना पड़ा, 1 घंटे लगभग पैदल जाना पड़ा, 1 घंटे नहीं लगभग आधा 1 किलोमीटर पैदल। सो फाइनली वी आर टायर्ड नाउ, हम टायर्ड हो चुके हैं, और अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, हमारी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, और हम आए थे हाँ नाहरगढ़ पे, कल हम देखेंगे भानगढ़ दूर पड़ता है यहाँ से, अब हम देखेंगे जल महल, शीश महल और दो चार चीज़ें और कल हम जाएंगे वापस। सो गाइस लेट्स गो, यहाँ पे देखिए किसी चीज़ के मुर्दाबाद के नाम, कुछ उतले उतले भुग रहे हैं यहाँ पे, पर क्या चीज़ के पता नहीं। अच्छा जम्मू कश्मीर में जो श्रद्धांजलि हुई है उसके, मतलब हाँ जो अटैक हुआ था अभी आतंकी अटैक, उसके ऊपर ये है, तो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे चल रहे। और हे गाइस, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं होटल जिसके हम तलाश में निकले थे, और अभी बज चुके हैं 7:30 और 7:30 हो चुका है, और हमें एक होटल मिला है, और हमें जो रूम मिला है वो है 210, और आपको रूम दिखा देता हूँ मैं, ये है बेड जो कि डबल बेड है, हम तीन तो आराम से सो जाएंगे यार, इस पे 4 सो सकते हैं इस पे, बाकी टेलीफोन है ये, सॉरी ये टेलीफोन है, ये यहाँ पे माइक्रोमैक्स का टीवी है एलईडी, यस एलईडी, और यहाँ पे
ये है, इसको आप ऊपर उठा सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं और यहाँ से बाहर का व्यू देख सकते हैं। तो ये आपको मॉर्निंग में ही प्रोवाइड हो सकता है, क्योंकि बाकी इसको नीचे कर दो। बाकी और है यहाँ पे एक मिरर है, यस मिरर है, मेरे बाल गंजभंज हो चुके हैं। बाकी एक एक है यहाँ पे, ये टूट रखा है मे बी, हाँ ये टूट रखा है, दिस इज डैमेज, तो इसको ऐसे हटा के देखना पड़ेगा। वैसे इधर कुछ देखने लायक नहीं है, ये कवर्ड है, यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं अगर आप ज़्यादा दिन के लिए ठहरते हैं तो। बाकी इनको लॉक बंद कर दिया। और ये है स्पेशियस बाथरूम, यहाँ पे नहाओ धो कपड़े जो मर्जी करना है करो। ये बाल्टी है छोटी सी, ये वॉशरूम है, बाकी ये ओयो करके क्या है, अच्छा फ्रेशनेस हेयर एंड बॉडी वॉश, ओके तो हम सुबह बाल वाल धो के निकलेंगे यहीं से, हाँ अगर ये एक्सपायर ना हुए हो तो। बाकी यहाँ पे एक मिरर है, एक सेकेंड, यस एक मिरर है, लाइट है और बस इनफ, यही है। यहाँ पे एक छोटा सा ड्रॉअर ये भी है, देखते हैं इसमें क्या चीज़ है। हाँ कुछ नहीं, खाली है, हाँ वैसे भी भरावा थोड़ी देंगे यार। बाकी ये बेड है और इसमें चद्दर कहाँ है उड़ने की, अच्छा चद्दर भी नहीं, उड़ने वाला चीज़ कहाँ है बे, ये क्या है, ये तो सजावट के लिए है, अच्छा उड़ने के लिए यही है। बाकी हमारे जिज्जा जी, वेयर इज जिज्जा जी, तो वो वहाँ गए हैं एंट्री करवाने के लिए, दूर घनी दूर। सो दोस्तों अब मिलते हैं अगले दिन और नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है इसलिए, क्योंकि बहुत ढेर सारी मस्ती की हमने रास्ते में, और जगह जगह गए, होटल में गए, बड़े मॉल में गए, बाकी जो भी करना था हमने करा। एंड सो सी यू सून, बाय।